IPL में मुंबई के मैचों में टॉस फिक्स्ड रहता है? क्या मुंबई के मैचों में टॉस महज एक औपचारिकता के लिए पूरी कराई जाती है? वेल, ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त हम, आप और न जाने कितने क्रिकेट फैंस के दिमाग में चल रहा है। इतना ही नहीं, इस वक्त सोशल मीडिया में तमाम क्रिकेट फैंस इससे जुड़ी तमाम वीडियो शेयर भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, क्या सच में ऐसा ही हो रहा है? और पूछे जाने को लेकर इसकी तमाम वजहें भी हैं। आज हम इस वीडियो में इसको लेकर आपसे बातें करेंगे और इसके तमाम सबूत और गवाही भी देंगे, क्योंकि 3 मई की शाम वानखेड़े स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद सभी को तो यही लग रहा है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा वाकई में है। आपको 3 मई के उस मैच की सारी कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब इसी IPL के मैच में रेफरी जगवल श्रीनाथ के टॉस के सिक्के को पलटने का दावा करते हुए कई वीडियोज वायरल हुए थे। उस मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा था। दरअसल वो मामला और भी अधिक ज्वलंत हो उठा था जब RCB के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने अपने अगले ही मैच में टॉस करने आए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को वो सारी घटना विस्तार से समझाई थी। हालांकि उस विजुअल में फैफ और कमिंस की क्या बात हो रही थी यह तो कोई सुन पाना संभव नहीं था। वीडियो में RCB के कप्तान का बॉडी लैंग्वेज देखकर यह साफ समझा जा सकता था कि वो कमिंस को यही समझा रहे होंगे कि कैसे उस रात मुंबई में उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक ने टॉस को दूर उछाला था और फैफ और कमिंस का वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब से IPL में जब भी टॉस होता है एक कैमरा सिक्के को फोकस करने के लिए तैयार रहता है कि दर्शकों को दिखाया जा सके कि सिक्के में क्या आया है और कौन सी टीम टॉस जीती है। ये सब कुछ दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने और टॉस की पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। पर 3 मई की शाम वानखेड़े में एक बार फिर मुंबई इंडियंस का मैच था। विपक्षी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी। कप्तान हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर टॉस के लिए पहुंचे थे। सब कुछ पहले की भांति तय था। कैमरामैन भी तैयार थे टॉस दिखाने के लिए, टॉस के कॉइन दिखाने के लिए। पर इस बार इससे पहले कि कैमरामैन सिक्का उठाते मैच रेफरी ने सिक्का उठा लिया। इससे पहले भी मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान टॉस विवाद होना और अब एक बार फिर मुंबई के खिलाफ ही मैच में विवाद होना, ऐसे में फैंस का मानना है कि मुंबई के मैच में टॉस के साथ कुछ तो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल उठा रहे हैं कि मैच रेफरी ने कैमरे का फोकस सिक्का पर होने से पहले सिक्का क्यों उठा लिया था। यकीनन इस मैच में टॉस के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा। इतना ही नहीं, टॉस का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि टॉस में फिर से धोखाधड़ी की गई है। वहीं शनिवार को खेले गए मुकाबले में RCB के कप्तान ने टॉस होने के साथ ही सिक्का उठा लिया था, पर उन्होंने टॉस की कॉइन को कैमरे के सामने ले गए और दिखाया कि वाकई हेड आया था। इस पर मैच के ऑफिशियल्स कप्तान फैफ के साथ मुस्कुराते भी दिखे थे। तो क्या IPL में वाकई टॉस में छेड़छाड़ हो रहा है?